आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कसे शिकंजा। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए गोरखपुर के माटी के लाल कमांडो नवीन सिंह का शव पहुंचा पैतृक गांव। अंतिम यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। कालीसर स्थित मोक्ष धाम पर सैनिक सम्मान के साथ नम आंखों से किया गया अंतिम संस्कार। सदर सांसद रवि किशन ने कहा, शहीद की अंतिम यात्रा में रो पड़ा आसमान। देश पर कुर्बान होने वालों को दुनिया करेगी याद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को कोविड 19 के प्रबंधन एवं ब्लैक फंगस की समीक्षा। कहा, बढ़ाए वैक्सीनेशन की रफ्तार, टेस्टिंग पर भी दे ध्यान। युवक ने किया तमंचे पर डिस्को, ऑर्केस्ट्रा डांसर युवती को असलहे के नाल में लगाकर थमाया रुपया। खोराबार थाना क्षेत्र में आयोजित समारोह का वीडियो हुआ वायरल। एसपी सिटी ने कहा, जल्द होगी गिरफ्तारी। नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण के बाद 27 मई को ग्राम पंचायतों की पहली खुली बैठक का हुआ आयोजन। गठित हुई 6 सदस्यीय टीम। डीपीआरओ ने कहा, डोंगल एक्टिवेट के बाद प्रधान कर सकेंगे अपने क्षेत्र का विकास। नगर निगम चला रहा है विशेष सफाई अभियान। महापौर ने जनता से की अपील। कहा, नालों पर अवैध निर्माण या कब्जा को हटाकर करें नगर निगम का सहयोग। संभागीय परिवहन कार्यालय पर 31 मई से शुरू होगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य। से सभी कार्य रहेंगे प्रतिबंधित। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा 550 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन किया गया जब्त। नगर आयुक्त ने कहा, जब्त पॉलिथीन से पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर बनाएंगे सड़क। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 106 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,654। अब तक 653 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 2,417 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व पार्षद एकता मंच के पदाधिकारियों ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। महापौर ने कहा, जनहित की समस्याओं पर तुरंत की जाएगी कार्यवाही। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक व देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वर्गीय पंडित नेहरू के दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश का होगा विकास। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 70 वार्डों के सुपरवाइजरों की बैठक। मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश। जनपद में जिला अस्पताल सहित 40 केंद्रों पर 18 साल के ऊपर के 8,628 तथा 34 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के 1,998 लोगों सहित 10,626 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन है अहम हथियार, जरूर कराएं वैक्सीनेशन। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का पुलिस करा रही है कड़ाई से पालन। सड़कों पर अनावश्यक निकल रहे लोगों के वाहनों का किया जा रहा है चालान, वसूला जा रहा है जुर्माना। और चक्रवाती तूफान यास का दिखा असर। गुरुवार को पूरे दिन होती रही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन हवा के साथ बारिश के आसार।